नमस्कार आदाब अभिनंदन प्रिय दर्शकों सुहाना सफर कार्यक्रम में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है स्वागत है स्वागत है हमने पिछले एपिसोड में चर्चा की थी कि कैसे कर्म के गुह गति को समझें और बुरे और पाप कर्मों का प्रभाव हमारे इस जन्म में कैसे पड़ता है उस प्रभाव से कैसे मुक्त हुए हम कैसे अपने जीवन की गति को आगे बढ़ाते चलें अपने सफर को कैसे सुंदर और सुहाना बनाए इस पर विस्तार से चर्चा करते आ रहे हैं इस चर्चा को और आगे बढ़ाएंगे और ये जानने और समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हमें अपने परिवार में लोगों के बीच अपने कर्म की गति को अच्छी तरह से समझें और सबके साथ रहते हुए भी अपने जीवन की यात्रा को श्रेष्ठ और महान कैसे बनाए इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज भी स्टूडियो में उपस्थित हैं राजयोगी ब्रह्मा कुमार सूर्य भाई जी गीता बहन जी संदीप भाई आइए स्वागत करते हैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है पिछले जन्म के जो कर्म का प्रभाव है वो कर्म फल के रूप में आते हैं और कई बार बंधन के रूप में आ जाते हैं लेकिन एक बात जहां तक मुझे याद है आपने बहुत सुंदर बात कही कि कभी कभी हमारा संबंध इतना मधुर होता है उस संबंध के कारण भी इस जन्म में बहुत मधुरता हमारे आपस में बनी रहती है तो एक तो ये बात है कि हमारा संबंध पिछले जन्म का साथ आया और आपने एक बात ये भी कहा कि अगर मान लो किसी ने हमारे साथ कुछ गलत किया इस जन्म में भी कोई पत्थर फेंक रहा है या हमको कोई वचन बोल रहा है आज दुनिया में यह संभव नहीं दिखता कि कोई मेरे ऊपर पत्थर फेंक रहा है तो मैं उसके ऊपर फूल दू फूल फेंकू ये कैसे करें हम दुनिया में रहकर एक्चुअली बचना तो सब चाहते हैं जी। कोई लगने चोट देना नहीं चाहता अपने आप को हाँ। अभी मैं यहाँ से आपके ऊपर खाली एक पैनी फेंकू हुँ ऐसे तो क्या करोगे आप बचने का प्रयास करोगे ना अगर ये मेरी नेचर है कि मैं हर चोट से बचना चाहती हूँ तो ये सूक्ष्म चोटों से मैं क्यों नहीं बचा सकती अपने आप को बचा सकती हूँ ना मान लीजिए किसी ने मेरे को कटु वचन बोला वो मैं ले हुई नहीं रिसीव ही नहीं करूं ये आर्ट मुझे सीखनी पड़ेगी जी, अगर वो चोट मेरे मन पर पहुंच गई वो कटु वचन का पेन मेरे मन में पहुंच गया तो हंड्रेड फिर जवाब पत्थर का आएगा जी। कि मुझे मन को भी बचा के रखना है किसी भी प्रकार का पेन मुझे मन में नहीं लेना है वो बाहर से बाहर ही जाए यहाँ नहीं रखना है इतनी सी बात सीखनी है हमको बचपन में यही बताया जाता है कि अरे कोई अगर कुछ कहता है तो तुम उसका भी उसके भी उसके साथ सामना करके आओ लोग ये चुपचाप नहीं आ जाते लोग यही सोचते हैं चुपचाप आ जाओगे वो लोग तुम्हें कमजोर समझेंगे और कल और फिर वैसा ही व्यवहार करेंगे और अगर तुम उसको आज पाठ सिखाओगे हो सकता है वो बदल जाए जी वो बुरा व्यवहार करना छोड़ दे कहीं कहीं ऐसा भी होता है परंतु ऐसा होते होते और इसको मान्यता देते देते ये जो एक बर्ताव है इस तरह का बढ़ता जाता है परंतु हमें समय की नाजुकता को समझते हुए हाँ। अब इसको चेंज करना है नाजुकता ये है कि अगर सभी ऐसा करने लगे जब आप पत्थर से तो सोचो संसार का क्या होगा तो कहीं ना कहीं मनुष्य को झुकना चाहिए नम्र होकर चलना चाहिए यही अपने बचाव का साधन है मुस्कुरा के निकल जाना चाहिए दूसरों की बात को उतनी वैल्यू देना ही नहीं चाहिए महात्मा बुद्ध ने भी यही किया था एक युवक उसको बहुत बुरा भरा बोल रहा था महात्मा जी अपना चुप बैठे मुस्कुरा रहे थे जैसे उसकी सुनी ही नहीं रहे अब आखिर वो ही परेशान हो गया और गुस्से में आया कि मैंने तुम्हें इतना बोला कुछ भी नहीं बोलते हो कहा भाई तुमने दिया मैंने लिया नहीं तो किसके पास गया देने वाले के पास रह गया ये एक छोटा सा सिद्धांत है।, है, है, है हम अगर अपने स्पिरिचुअल लेवल को बहुत ऊंचा उठा लेते हैं तो हमारे अंदर ऐसी शक्ति आ जाती है इस शक्ति से दो फायदे होते हैं एक तो हमारे फैलेंगे और दूसरे व्यक्ति हमसे गलत व्यवहार करना छोड़ते जाएंगे जी। इसके लिए स्वयं भगवान ने सुंदर बात कही है जितना तुम स्वयं को स्वमान में स्थित रखोगे तुम्हारा सम्मान बढ़ेगा जी तो लोग सम्मान देने लगेंगे एक तो ये फायदा होगा दूसरा हम इतने पावरफुल और ब्रॉड माइंडेड हो जाएंगे कि दूसरों की बातों को हम सीरियसली लेंगे ही नहीं अब कहने वाला कह रहा है और हम उसको अंदर जाने ही नहीं दे रहे हैं वो कह रहा तुम तो गधे हो बिल्कुल और हम अंदर सोच रहे नहीं भगवान ने कहा तुम तो सबसे अधिक बुद्धिवान हो जी। वो कह रहा तुम तो बिल्कुल बेकार के आदमी हो कोई काम के नहीं हम याद कर रहे हैं भगवान ने कहा मैंने तुम्हें चुना है विश्व कल्याण के कार्य के लिए तुम मेरे काम के हो तो उसकी बातों का असर बिल्कुल जीरो हो जी, जाएगा जी, और जो भगवान की आवाज हमारे मन में गूंजने लगी उसका प्रभाव हमारे ऊपर छाया रहेगा तो देने वाला वीक होता जाएगा हम क्योंकि रिसीव नहीं कर रहे हैं हम पावरफुल होते जाएंगे और फिर अगर हमें बोलने का मौका मिले तो उसको स्वीट वचन बोलेंगे कि भाई ऐसा बुरा किसी को नहीं बोला करते हैं।, हैं।, हैं तुम तुम्हें कोई ऐसा बुरा बोले तो तुम्हें कैसा लगेगा स धारण करो जरा नम्र चित्त बनो एक दूसरे से फ्रेंडली भी हो जाओ तो ये होगा उसने हमें ईट मारी हमने उसको फूल दे दिए तो कहीं ना कहीं वो व्यक्ति जब रात को सोएगा तो जरूर विचार करेगा सवेरे उठेगा जरूर विचार करेगा उस आदमी ने कुछ तो कहा था जी 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 वो रात में बात याद आएगी लेकिन सामने सामना जब होता है ना संदीप भाई तो उस समय तो ऐसे विचार नहीं आते कि मैं शांत रहूं पत्थर दे रहा है तो मैं फूल दूं कई बार आवेश में आकर के मनुष्य से गलतियां तो हो ही जाती है इसमें दो तीन बातें हैं देखिए कैसी बात है सबसे पहली बात जब तक हम अपने संकल्प को ठीक नहीं करेंगे हाँ। हमारा कर्म ठीक नहीं हो सकता देखो कोई भी नहीं चाहता कि हम दुखी हो जी लेकिन दुख कहाँ से मिलता है बुरे कर्म से तो कर्म अच्छे करने के लिए पहले संकल्प अच्छा हो लेकिन संकल्प आएंगे कहां से अगर हम दूसरों से गलत सुनते जा रहे हैं उसका स्वीकार करते जा रहे हैं तो वही हमारे मन में जाएगा तो वही बाहर आएगा अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ ऐसा ना हो कोई हमें नहीं मारे तो पहले फूल मारना हमें शुरू करना पड़ेगा मतलब जब तक हमारा लक्ष्य ये नहीं होगा कि मुझे इस संसार में सुख से जीना है जी। कर्म का प्रभाव तो होगा कर्म के प्रभाव में न आते हुए अपने आप को बचाते हुए जैसे शरीर को तो हम बचा ले लेकिन शरीर को चलाने वाला मन आत्मा उसकी शक्ति मन उसको भी तो बचाना पड़ेगा हुँ, हुँ, वो तो नाजुक है उसको बिना बचाए शरीर को बचाने का कुछ नहीं होगा क्योंकि शरीर बच, कितने भी गए मन तो साथ आया और उसी से सब कुछ आ रहा है तो मन को बचाना बहुत जरूरी है और मन को बचाने का लक्ष्य होगा सुखी रहने का लक्ष्य होगा जीवन का सफर सुहावना कराने का लक्ष्य अगर होगा तो इन बातों को अपने आप हम इग्नोर करते जाएंगे मेरे मन में पहले से किसी बात का टेंशन है कोई समस्या का कोई प्रॉब्लम का जी, जी। पहले से मेरे मन में बहुत सारे संकल्प चल रहे हैं जी, जी। और सामने से आकर के कोई व्यक्ति वापस मुझे भला बुरा किसी बात के लिए कह रहा है तो मेरा मन तो शांत नहीं रहेगा ना मैं तो बदला लेने के लिए ही सोचूंगा जी जी जी। इसके लिए क्या है पहले से हमारी तैयारी होना जरूरी है अच्छा जब तक पहले से तैयारी होता तुरंत नहीं होगा इंस्टेंट नहीं जी पहले से तैयारी होगा और होता कैसे है जैसे आपने बोला कि मेरा पहले से भरा हुआ है पहले उस व्यक्ति के साथ भी कुछ हुआ होता है या अपने साथ भी कुछ बुरा हुआ होता है लेकिन यही तो परिस्थिति में पार होना यही तो समझ है अपने जीवन को सुहावना बनाने के लिए हमें किन बातों की जरूरत है वो समझना पड़ेगा जी 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 क्योंकि उसके साथ अगर हम चलते हैं बुराई के साथ चलते तो हमारे साथ बुराई होगा देखो एक बात है जब मैं किसी व्यक्ति के लिए बुरा सोचता हूँ या गाली देने का आप किसी को गाली दे रहे हो लेकिन गाली पहले अपने आपने अपने पास रखी जी अपना मन तो गंदा कर दिया जी जी जी, जी। और फिर दूसरे को दे रहे हाँ, हाँ। जैसे किसी व्यक्ति को अच्छा ही अपने बताया कि उनके सामने एक युवक आकर के इतना भला बुरा कहा वो तो महात्मा है उनको तो ज्यादा वो संकल्प नहीं आएगा मैं तो महात्मा नहीं हूँ ना मुझे कोई भला बुरा कहेगा तो मेरे को सामने वाले को ऐसे ही जवाब देना पड़ता है महात्मा बना तो सकते है ना अपने आप को जी, नहीं जी। है तो बनाने का प्रयास तो कर सकते हैं ना हाँ। क्योंकि सुख मेरी रिक्वायरमेंट है शांति अच्छा। मुझे चाहिए खुशी मुझे चाहिए और जो चीज मुझे चाहिए तो इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा ना पहले हुँ। अभी देखिए बिजनेस का या कोई भी कमाई का जो साधन है तो उसका रूल क्या होता है पहले इन्वेस्ट करो अच्छा लो जी तो पहले आपको कुछ इन्वेस्ट तो करना पड़ेगा तभी तो कुछ मिलेगा तभी तो उसका रिटर्न मिलेगा ना आपको महात्मा नहीं हुई ये बड़ी बात नहीं महात्मा बन तो सकती हूँ ना मार्ग जी, जी, तो जी, है जी, मेरे पास इम्पॉसिबल तो नहीं है।, है, है तो ये एक संकल्प की हमें क्या करना है एक्चुअली हो क्या रहा है जैसे सास बहू की बात आई या हस्बैंड वाइफ की बात आई या भाई बहन की या दोस्तों की बात आई कि जैसे ही हम उनसे मिले हमारे हिसाब किताब बिगड़ गए माना या तो इस जन्म में भी मैंने उसको पहली बार देखा बहू को मैं नहीं जानती थी है ना सास कहती है कि बस अभी 15 दिन से जान पहचान हुई थी शादी हो गई और इतना भारी भरकम हिसाब किताब की बात मत पूछो इस जन्म में वो आपको पहली बार मिली पूर्व जन्म में उसकी क्लोजिंग आपके साथ अच्छी नहीं हुई थी हंड्रेड उस आत्मा के साथ आपका कुछ तो लेन चल रहा था या तो रिलेशन खराब थे या फिर कुछ और कारोबारों में खराबी थी धन में खराबी थी कहीं तो कुछ खराबी थी जो आधा अधूरा रह गया और वो अब बहु बन करके आपसे लेने आई है अब आपको क्या करना है कर्ज मुक्त होना है या और 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 कर्ज बढ़ाते जाना है क्या करना है क्योंकि आप लगातार उसका ब्याज दे रहे हो हाँ। अब वो फाइनली अपना मूल लेने के लिए आई है या तो आप हंसते हंसते वो मूल दे दीजिए या फिर और कर्ज बढ़ा करके और ज्यादा दुख अशांति में रह करके उसका ब्याज देते रहिए तो समझदारी किसमें है कि वो आपको इधर से एक नेगेटिव एनर्जी फेंक रही है आपको कुछ बुरा बोल रही है बुरा सोच रही है आपके बारे में तो आप भी उसे डबल करके नेगेटिव एनर्जी मत दीजिए आप उसके लिए अच्छी भावनाएं रखिए क्योंकि अच्छा। हमेशा अच्छी भावनाओं का अच्छा भाड़ा मिलता है बुरी भावनाओं का बुरा भाड़ा मिलता है जितनी अच्छी भावनाएं आपकी उसके प्रति होंगी तो आपकी अच्छी भावनाएं गुड एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी कहीं ना कहीं उसमें चेंज जरूर करेगी और आपको क्या करना है उसे चेंज करना है कर्ज मुक्त होना है उसे अपने अनुकूल बनाना ये मेरे हाथ में है ये असंभव नहीं है मेहनत जरूर है देर लग सकती है पर इम्पॉसिबल नहीं जी 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 बहुत गहरी चर्चा हो रही भाई जी हमारी की दूसरे जो कुछ भी कर रहे हैं या दूसरे कुछ हमें बोल रहे हैं उसका प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े लेकिन कई बार पड़ जाता है कई बार हम नहीं चाहते हुए भी अगर मान लो कुछ बोला कई बार मन में आता है चलो कोई बात नहीं पर हमेशा ही पड़ जाता है जी कॉमन मैन आप सोचो 99 लोगों हाँ। दूसरों की बातों का प्रभाव पड़ता ही है जी ऐसे बहुत कम लोग हैं रेयर जो दूसरों की बातों से प्रभावित रहते हैं हमारी स्पिरिचुअलिटी में भी ज्ञान योग के मार्ग पर भी ये एक मुख्य बात है स्वयं भगवान के महावाक्य कि ज्ञानी आत्मा वही है जो मान अपमान सुख दुख हार जीत लाभ हानि सर्दी गर्मी में समान रहे जी अब इसमें सबसे भारी काम ये बातों का ही होता है देखिए मनुष्य सर्दी भी सहन कर सकता है गर्मी भी वो भूखा रह भी सकता है भूख भी सहन कर सकता है वो बीमारी को भी सहन कर सकता है और सबसे कठिन जो चीज है सहन करना वो है दूसरों के अपमान जनित बोल जी अपमान को सहना बहुत बड़ी बात है और भगवान ने एक बहुत गहरी बात कह दी हमें जागरूक कर दिया कि अगर तुम में देह अभिमान है तो तुम्हें अपमान की फीलिंग ज्यादा आएगी अभी मैंने भी ये सब बातें सुनी और मैंने वो पहला महावाग जो सुना है वो भी मैंने सुना चालीस साल पहले और एक मन को तैयार किया कि नहीं संग, हम तो संगठन में रहते हैं ना संगठन में कोई ना कोई तो बोलने वाले मिलते ही हैं तो मैंने अपने को तैयार किया कि नहीं मुझे दूसरों की बातों के प्रभाव में नहीं आना है नहीं। जो भगवान ने कहा उन्हीं बातों के प्रभाव में रहना इवन जब हम बहुत ज्यादा योग करते थे तो भी बोलने वाले ये बोलते थे चले हैं योगी बनने हाँ। देखेंगे कितना दिन तक योगी बनेंगे अरे कितने देखे हमने सब फेल हो गए हैं। किसी हैं। से मेहनत नहीं होती हम सुनते थे हम सोचते थे ये हमें एक चैलेंज कर रहे हैं, हैं। हमें इनके चैलेंज से ऊपर उठ जाना है जो काम आज तक कोई नहीं कर सका वो हमें करना है तो अपने पास ईश्वरीय ज्ञान का भंडार जमा किया कि जब दूसरा व्यक्ति वचन बोल रहा जब दूसरा व्यक्ति हमारा अपमान कर रहा हो जब अननेसेसरीली वो व्यक्ति हमें गलत शब्द बोल रहा हो और उसकी आदत हो उसके मन में हमारे प्रति कुछ गलत भावनाएं हो गई हैं इसलिए हम अच्छा काम करें या ना करें उसको कुछ ना कुछ बोलना ही है, है, है। तो हमने अपने को तैयार किया और पहली चीज उसमें थी कि अपने को बहुत लाइट रखना जी कि भाई उसका काम है बोलना जब है वो अपनी आदत नहीं छोड़ता तो मैं अपनी खुशी क्यों छोड़ू बहुत अच्छा इससे बल मिला दूसरी चीज शिव बाबा ने ज्ञान देकर हमें सिखाई स्वमान में रहो स्वमान का इफेक्ट अपने ऊपर इतना होता है कि दूसरे की बातों पर हंसी भी आने लगती है कि ये क्या बेचारे है बहुत ताकि बातें कर रहे हैं या ये हमें जानते नहीं है चलो इन्हें क्षमा कर देते हैं कोई बात नहीं तुम बोल के खुश रहो हम तुम्हारे बोल सुन के भी खुश हैं जी जी तो लाइट रहना हल्का रहना और तीसरी चीज थी अपने में योग का बल बढ़ना ताकि मन फुल रहे क्योंकि कहीं ना कहीं जब हमें दूसरों की बातों से फीलिंग हो रही उनका प्रभाव पड़ रहा है तो हम खाली अवश्य है तो योग की शक्ति से अपने को पावरफुल बनाना इससे बातों का प्रभाव कम से कम होता जाता है और हमारी एक स्थिति ऐसी आती है जब हम दूसरे की हर बात के इफेक्ट से मुक्त हो जाते हैं इसको कहा जाता है परफेक्ट स्थिति जी पॉजिटिव होती है तो हमारे चारों तरफ एक ऐसा सुरक्षा कवच बन गया होता है जिसको कोई भी बेड एनर्जी बेड नेगेटिविटी छेद नहीं सकती मैंने वो खुद में ही हमारा एक ऐसा सुरक्षा कवच होता है कि हमारा मन उस बात को लेने के लिए तैयार ही नहीं हमारी बुद्धि उस बात को रिसीव करने के लिए तैयार ही नहीं उसको बाहर से बाहर ही वो रिजेक्ट कर रही है जी जी जी। जैसे बुद्धि के अंदर जगह ही नहीं है उसको लेने के लिए वो रिएक्ट करेगी करेगी उसको जी, डिसेक्ट जी, ये पॉजिटिव सोच का बहुत गीता बहन ने जो बताया उसका प्रैक्टिकल अनुभव मैं आपको सुनाता हूँ मेरे साथ ये घटना घटी एक छोटा भाई जिसको किसी ने कुछ मेरे बारे में उल्टा सुल्टा सुनाया उसके मन में थोड़ी नफरत तैयार गई जी वो मेरे सामने जब भी आता तो मुझे कुछ लगा कि इसको कुछ शायद किसी ने कुछ सुनाया लेकिन मेरी भावना अगर उसके बारे में चेंज हो गई तो फिर तो वो बढ़ता जाएगा अच्छा हिसाब की भावना से भी बढ़ रहा है तो मैंने उसके बारे में हमें अच्छा ही सोचा अब क्या हुआ एक दिन हम लोग साथ में थे वो साथ में आ गया किसी सेवा में और मेरा फोन वहां रह गया और मैं किसी से साथ बात करने बाहर गया तो उसी को जब हम सेवा में एक साथ आए थे तो उसके पहले उसी को कॉल किया था तो मेरी भावना

तो गलती को कोई याद दिलाए तो फिर भी जल्दी स्वीकार हो जाता है ठीक है भाई आई एम सॉरी मेरे से गलती हो गई मैं अपना गलती स्वीकार करता हूँ लेकिन कभी कभी हम देखते हैं ऐसा भी होता है कि मेरे से कोई गलती नहीं हुई है जबरदस्ती कोई लंचन लगा दिया जाए या कोई बोल दिया जाए उसका एक प्रकार से दिल में ज्यादा हर्ट होता है गलती होने पे तो मनुष्य को रहता ही है कि भाई गलती हो गई तो बोलने वाले कुछ तो बोलेंगे ही मैंने शुरू में बहुत प्रैक्टिस की थी एक हाँ। दिन मैंने ब्रह्मा भोजन बनाया हाँ। चावल थे बहुत अच्छे पुलाव जिसे हम कहते हैं चावल थोड़े हार्ड रह गए जी अभी मैं भी खाया हार्ड हाँ। थे मैंने सोच लिया अब तो सुनना पड़ेगा दो चार हाँ। लोग ये ये जो है ना वो तो जरूर बोलते हैं क्योंकि वो चिड़ते भी है इसका बहुत नाम होता है वो आए और बोला और क्योंकि मैं तैयार था इसलिए मुझ पर उनका कोई असर नहीं पड़ा मैंने कहा हाँ भाई आज गलती रह गई मैंने चेक नहीं किया था आगे से ध्यान रखेंगे इतना बोलने से वो भी शांत होकर चले गए लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है कि है। हमने कुछ किया नहीं और फिर भी लोग बोल रहे हैं यही परीक्षा का काल होता है और इसमें हमें सोच लेना चाहिए कि इस परीक्षा में मुझे फुल पास होना है क्योंकि मैं राइट हूँ मुझे अपनी शक्तियों में विश्वास होना चाहिए जैसे मान लो हम लोग ब्रह्मा कुमार कुमारियां प्योरिटी के पथ पर चल रहे हैं हमारा पवित्रता का मार्ग है अब तो खैर ये बात सबको पता लग गया लेकिन अब से चालीस पचास साल पहले लोग कमेंट किया करते थे ये सब साथ साथ रहते हैं और ये रहेंगे पवित्र सब झूठ बोलते हैं और बुरा बोलते थे तो हम लोगों क्योंकि पता था कि हम पवित्र हैं तो उनकी बातों को हम ऐसे उड़ा देते थे ये तो बोलते ही रहेंगे जैसा इन्होंने सुना है पर हम तो पवित्र हैं अपनी सत्यता में विश्वास रखने से हम दूसरों की ऐसी वैसी बातों के प्रभाव में नहीं आते अपनी मनोस्थिति को नहीं खोएंगे तो एक बहुत सुंदर लेसन सबके लिए है समाज में संगठनों में ये बात होती रहती है और मनुष्य को अपनी सत्यता में विश्वास रखना चाहिए जी बस यहाँ हम सफल हो जाए। मना उसमें हमारी अगर गलती नहीं हुई है, तो हम जिद और सिद्ध में ना उतर जाए हाँ, सिद्ध करने का प्रयास ना, ना करें जो हम करते हैं हाँ। बस यही है कि अगर हम सत्य है हाँ। हमने गलती नहीं की तो उस सत्यता का प्रूफ हम यही दें कि हमारी स्थिति बहुत सुंदर है चलोल हु. ये सत्य का प्रूफ है अगर हमने अपनी स्थिति को बिगाड़ लिया और हम सत्य भी हैं हमने गलती नहीं की लेकिन दूसरे की बात सुन के हमारी मनोस्थिति पूरी तरह से बिगड़ गई उसे हमने लड़ाई भी कर ली और अपनी सारे खेल बिगाड़ लिया खुशी खो दी तो हमारी सत्यता की शक्तियां छीन हो गई और लोग मानेंगे कि ये जो बात कर रहा था लगता है कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर की है भविष्य में तो लोग जान जाते हैं कि इसने कुछ गलती नहीं की थी लेकिन उसी समय मेरे मन में कई बार बुरे विचार आते हैं कि अगर मैं अच्छे काम कर रहा हूँ अच्छे रास्ते पर चल रहा हूँ मैंने कुछ गलत भी नहीं किया है तो भी आखिर मेरे ऊपर दृष्टिकोण क्यों ऐसा गड़बड़ है ऐसे हाँ। समय क्या विचार लाए नहीं जैसे भाई साहब ने बताया ये परीक्षा के समय हाँ परीक्षा की घड़ी है जी इससे पार होने के लिए जैसे ज्ञान योग अपने आप को समझ परीक्षा में मुझे पास होने के लिए क्या क्या चाहिए जी ये हो सकता है ये परीक्षा हमारे किसी पूर्व जन्म के कारण भी आई होगी अच्छा ये अगर हम कर्म फिलॉसफी याद रखते हैं तो थोड़ा डाइल्यूट हो सकते हो सकता है कि हमने कभी किया होगा और ये अभी बोलकर पूरा कर रहे हैं तो ये अगर हम समझ रखेंगे अपने आप को समझाएंगे तो इस परिस्थिति से पार करना सहज हो जी 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 माने ऐसा सोचना पड़ेगा कि मेरे सामने ये परीक्षा है ऐसा विचार लाना ये भी सोचना पड़ेगा और थोड़ा पेशेंस रखें ना मान लीजिए आप सत्य हैं अपने आप में एक बार अपनी बात बड़ी रॉयल्टी से कह देना जी बता देना अवगत करा देना और फिर पेशेंस रखो एक ना एक दिन उनको खुद ही रियलिटी समझ में आ जाएगी <laughs> भाई साहब कई बार हम सत्य के पद पर तो चलते हैं लेकिन कभी कभी जब इस तरह की परिस्थिति को सामना करना पड़ता है तो मन में बहुत तरह तरह के विचार आते हैं संकल्प चलते हैं और उस समय कई बार हमारे मन में खिन्नता भी आ जाती है बदला लेने की भावना भी आ जाती है हम लोगों का संगठन भी बहुत बड़ा है जी। मैं तो ऐसा कहूंगा संसार में सबसे बड़ा है और सबसे सुंदर भी है निर्विघन है जी। स्वीट है हमारी यूनिटी में बहुत पावर है।, है ये बाहर के आने वाले लोग हम सबको कहते हैं हमें तो पता नहीं होता था शुरू में हमें कहते थे कि संगठन देखना तो आपका हो अगर पॉलिटिकल पार्टीज में ऐसा स्ट्रांग संगठन हो जाए तो न जाने क्या क्या कर दे फिर भी संगठनों में बातें आती हैं संगठन बढ़ता गया पहले सैकड़ों में होते थे हजारों में हुए अब लाखों में हो गए करोड़ के पास जा रहे हैं डेडिकेटेड लोग ही हमारे पास लाख जी तो समस्याएं आती हैं ऐसे वैसे लोग भी संगठनों में आ जाते हैं सभी तो अच्छे नहीं होंगे चीरसा करने वाले भी आ जाएंगे बुरा बोलने वाले भी आ जाएंगे तो शिव बाबा हमें बहुत अच्छी अच्छी बातें सिखाते रहते हैं क्योंकि ये ईश्वरीय परिवार है ये भगवान का परिवार है ये संगठन उसका तैयार किया हुआ है इस युग को नूतन बनाने के लिए तो उन्होंने ये बात एक बार बहुत अच्छी सत्यता की शक्ति पर भगवान के महावाक्य चल रहे थे कि सत्यता में बहुत शक्ति है सत्य को सुनना अवश्य पड़ता है सत्य को ही ज्यादा सुनना पड़ता है असत्य को नहीं सुनना पड़ता सत्य के मार्ग में काले बादल आ जाते हैं लेकिन तुम्हें विश्वास होना चाहिए ये काले बादल हटते हैं हटेंगे सत्य का सूर्य चमकने लगेगा लेकिन जैसे गीता बहन ने कहा चाहिए जी 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 हमें अपने जीवन में चलते चलते ये बातों के ऊपर बहुत ध्यान रखना है कि दूसरे के बातों का प्रभाव हमारे ऊपर ना पड़े और खास करके जैसे चर्चा में ये सामने आया कि कैसे हम अपने मना स्थिति को अच्छा बना करके रखें अपना हमारा मन अगर अच्छा रहेगा तो संकल्प अच्छे चलेंगे और सामने के वाले के प्रति हमारी भावनाएं भी अच्छी रहेगी और सामने वाला खुद ही बदल जाएगा बहुत सुंदर विचार आप तीनों ने रखे और अपना कीमती और बहुमूल्य समय निकाल करके आए उसके लिए पुनः धन्यवाद प्यारे दर्शकों जीवन में अगर परीक्षा ना आए तो फिर यह जीवन का महत्व ही क्या है परीक्षाएं तो आएगी काले बादल आएंगे कई प्रकार के सामने वाले से हमें सामना भी करना पड़ेगा लेकिन इस राह पर चलते-चलते अपने जीवन को श्रेष्ठ और महान बनाए रखने के लिए अपने संकल्प को सदैव अच्छा बनाए अच्छे विचार लाएं सुबह उठते ही आंख खुलते ही एक बार यह संकल्प ले आए कि मैं इस संसार में महान आत्मा हूं जो भाई जी सिखाए करते हैं और अगर सामने वाले से किसी प्रकार की परीक्षा आ रही है तो ये अपने को महानता के पथ से हटाए नहीं जितना जितना आप इस पथ पर बहुत श्रेष्ठ तरीके से चलते जाएंगे आपका जीवन बहुत सुहाना होता जाएगा इन्हीं सुंदर विचारों के साथ अपना ख्याल रखिएगा आज के लिए बस इतना ही विदा लेते हैं नमस्कार